अरे काका। अरे मैडम ये थोड़ा बोल बोल दिक्कत है इसके साथ। ये श्रीधर है, इनका बेटा है। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? बिटिया जाती थी पहले, इसके अम्मा के स्वर्गवासी होए के बाद स्कूल छूट गवा। और दूसरा हमारा बिटवा है जिसे हम स्कूल भेजन चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकत। जन्म से ही ऐसा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, आप नहीं जानते क्या? सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में ऐसे बच्चों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार चाहती है कि अब कोई भी दिव्यांग बच्चा या बच्ची शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूरे प्रदेश में 10 शिक्षकों को तैनात किया गया है, जो बच्चों को पढ़ाई में पूरी मदद कर रहे हैं। टीचर जी सही कह रही हैं, सरकार आवश्यकता अनुसार हर जरूरी उपकरण उपलब्ध करा रही है, बात की नहीं? जी बिल्कुल सही कहा जी। यानी कि अब एक ही कक्षा में सामान्य छात्र छात्राओं के साथ दिव्यांग बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है। अब सभी बच्चे मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। इधर भैया तुम भी गजब करत हो। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक या दिव्यांगता से प्रभावित बच्चा जरूर स्कूल जाए, और बच्ची तो जाए भी। अरे हम तो इनका बहुत समझाए रहे कि जैसे रिंकिया के महतारी के जिंदगी बर्बाद किए है ना, वैसे रिंकिया के जिंदगी बर्बाद कर दे हैं। क्या हुआ था रिंकी की माँ को? अब हम का बताएं, इन्हें तो पूछ लो। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, और हमारी शादी भी कम उम्र में हो गई। शरीर से कमजोर रही, पेट में तीसरा बच्चा रहा, सेहत गिरती चली गई, और फिर बच्चा बचा ना वो। ओह, तो क्या चाहते हैं? रिंकी भी अपनी माँ की तरह पढ़े लिखे ना, और आप उसकी कम उम्र में शादी कर दो। कम उम्र में शादी करने के नुकसान जानते हैं आप? कम उम्र में शादी करने से बेटी का स्कूल तो छूट ही जाता है, साथ ही शरीर भी कुपोषित होता है। और यही हुआ, माँ के कुपोषण का प्रभाव आपके तीसरे बच्चे पर पड़ा और दोनों की मृत्यु हो गई। यदि रिंकी की माँ और आप में से कोई पढ़ा लिखा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। स्कूल ना भेजकर आप और आप जैसे दूसरे अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य स्वयं खराब कर रहे हैं। सरकार जब हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए इतनी मदद कर रही है तो हम लोग काहे पीछे रहे? मैडम एकदम ठीक कह रही हैं। आज स्कूल में बालिकाओं को बाल संसद से जोड़कर उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, उन्हें निपुण बनाया जा रहा है, और हम विद्यार्थियों को आधा फुल कॉमिक बुक सीरीज की मदद से उन्हें तरह तरह की जानकारियां भी दे रहे हैं। अब देखिए, रिंकी की माँ तो है नहीं, तो उसे महावारी से होने वाली परेशानियों के बारे में कौन बताएगा? इसीलिए हम स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को महावारी में होने वाली परेशानियों से कैसे बचाव किया जाए ये सभी चीज़ें सिखाते हैं, और उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें सैनिटरी पैड भी देते हैं, और उनके पोषण का भी पूरा ध्यान रखते हैं। समझ गया मैडम कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने में ही भलाई है। एक छोटी सी आशा, आगे बढ़ने की अभिलाषा, शिक्षा है सदियों से सफलता की परिभाषा। सरकार का प्रयास शिक्षा से हो सर्वांगीण विकास।